फिल्म पद्मावत को लेकर करणी सेना का बवाल थमा तो अब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में नई बहस शुरू हो गई है। फिल्म पद्मावत के जौहर सीन को लेकर फिल्म इंडस्ट्री दो टुकड़ों में बट गया। हाल ही में स्वरा भास्कर ने भंसाली के नाम एक ओपन लेटर लिखकर फिल्म के जरिए महिलाओं को वस्तु की तरह पेश करने का आरोप लगाया था। स्वरा के इस आरोप पर अब तक कई लोगों ने जवाब दिया है। वहीं पद्मावती दीपिका भी सामने आ गई हैं। एक इंटरव्यू में दीपिका से स्वरा के ओपन लेटर पर सवाल किए गए। इस पर दीपिका ने कहा कि स्वरा फिल्म की शुरुआत में चला डिस्क्लेमर पढ़ना भूल गई। सबसे बड़ी बात, ये फिल्म पुराने दौर की है। इस फिल्म में महिलाओं की बहादुरी और पराक्रम को दिखाया गया है। हमने जौहर का महिमा मंडन नहीं किया है। फिल्म में रावल रतन सिंह का किरदार निभा रहे शाहिद कपूर ने स्वरा के इस ओपन लेटर का जवाब देते हुए कहा, जब पूरी फिल्म इंडस्ट्री पद्मावत का सपोर्ट कर रही है, ऐसे में स्वरा का इस तरह विरोध जताना अजीब लग रहा है। स्वरा के लेटर पर रणवीर ने बिल्कुल अपने कूल अंदाज में कहा कि मुझे बाकी कुछ तो पता नहीं, लेकिन स्वरा ने मुझे मैसेज कर मेरे अभिनय की काफी तारीफ की है, इसलिए वो इस बात से खुश हैं और संतुष्ट हैं। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।